फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नया वीडियो लेके जो है मक्की की बाटी। मैंने 2 कटोरी मक्की का आटा लिया है, पीली मक्की ली है ये। इसमें 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मौन डालेंगे मक्की के आटे में। अब मैं इसमें ये मिक्स कर रही हूँ, अजवाइन 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक और मौन, 1 चम्मच तेल का मौन डाल रही हूँ मैं इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसका आटा गूंदना है। सख्त आटा नहीं लगाना है इसका, थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है क्योंकि इसको पानी में उबालना है। ये आटा लग के रेडी हो गया है। गुनगुने पानी से आटा लगाया था मक्की का, ये रेडी हो गया है। अब इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, गोल गोल बाटी का शेप देंगे इसको। ये स्टील की भगोनी रखी है, इस पे 2 कटोरी 3 कटोरी पानी, 4 कटोरी पानी ऐड किया है, 3 से 4 कटोरी इसमें पानी ऐड किया है। इसमें आधी चम्मच ऑयल डालेंगे। ये उबल के बना पानी में उबल के बनेगी ये बाटी। फिर ओवन में सेकेंगे इसको। तेल डालने से बाटी नीचे चिपकेगी नहीं। मैंने गोल गोल बाटी बना ली है, हल्का सा ऊपर से दबाया था, थोड़ी सी चपटी करी है मैंने। ये बाटी बन के रेडी हो गई है। अब इसको भगोनी में जो पानी उबल रहा है उसमें डालेंगे। अब धीरे से एक एक करके इसमें बाटी डालनी है। ये सारी बाटी इसमें ऐड करेंगे और उबाल आने से देखेंगे, उबाल आएगा 20 मिनट तक इसको उबालना है कि बाटी एकदम हल्की होके अच्छे से उबाल नहीं आ जाए। 15 से 20 बार इसका उबाल लेंगे और एकदम खिल के ऊपर आ जाएगी, हल्की हो जाएगी ये। इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे, इसको ढक के रखना है 20 मिनट। इसका ढक्कन बंद कर दिया है जैसे कि। अब 20 मिनट बाद इसको बाद में चेक करेंगे, धीरे धीरे पलटाएंगे फिर इसको अंदर से। हाय फ्रेंड्स, ये जैसे कि बन के रेडी हो रहे हैं, अच्छे से उबल रहे हैं, इनको मैंने पलटा है। थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलटा के देखना है। गैस को करना बंद, अब इनको निकालना है थाली में और अच्छे से इसको पंखे में ठंडा करना है, फिर ओवन में इसको सेकेंगे। फ्रेंड्स, ये थाली में ठंडे हो रहे हैं, इसके बाद इसको ओवन में सेकेंगे। बाटी ठंडी होने के बाद अब इसको ओवन में अच्छे से सेकेंगे दोनों तरफ से। अब इसका ढक्कन खोल के देखते हैं, इसको देखा है दोनों तरफ से पलटा रहे हैं। बहुत अच्छी सिक रही है और सिकने में भी पता चल रहा है बहुत हल्का वेट हो गया है इसका, इससे पता चल रहा है बहुत अच्छी उबली है, दोनों तरफ से सिक जाती है। वापस इसको 5 से 10 मिनट के लिए वापस ढक के रखेंगे। ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है। अब गैस को बंद करना है, इसको घी में अच्छा डीप करना है। ये मक्की की बाटी बन के रेडी हो गई है। ये ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत हल्की बनी है बाटी और बहुत अच्छी टेस्टी बाटी बनी है। इसको उड़द की दाल के साथ खाइए। ये मक्की की बाटी बन के रेडी हो गई है, इसको उड़द की दाल और गुड़ के साथ, लहसुन की चटनी के साथ अच्छे से खाइए। और बहुत ही टेस्टी बाटी बन के रेडी हुई है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।